एसयूआई ने टूरिस्ट कॉलेज की प्राचार्य पर लगाए गंभीर आरोप, बताया भाजपा की एजेंट। कहा कॉलेज में चलाई जाती हैं आरएसएस की शाखाएं। लाइब्रेरी के लिए भराए जाने वाले फॉर्म में विसंगतियों को लेकर एनएसयूआई ने उठाए सवाल। आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर, खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है। एनएसयूआई द्वारा आज एक प्रेस वार्ता आयोजित कर ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय की प्राचार्य पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें भाजपा का एजेंट करार दिया। टीआरएस कॉलेज में एक लाइब्रेरी का फॉर्म है, ये आप देखिए, ये लाइब्रेरी का फॉर्म है। इसके पहले जो ये फॉर्म बना करता था उसमें कॉलेजों कॉलेज का नाम, आवेदक, रोल नंबर, छात्र, आधार कार्ड, ये सब कुछ लिया जाता था। इस बार एक नया इसमें वो जोड़ा गया है पॉइंट कि विधानसभा का नाम व क्रमांक। कॉलेज में मैं पूछना चाहता हूँ कॉलेज के प्राचार्य से कि इसमें ऐसा क्या है, छात्रों के विधानसभा और विधानसभा क्रमांक लेने की क्या जरूरत पड़ गई। हाल ही में आप सभी को जानकारी होगी, जैसा कि टीआरएस कॉलेज के प्रचार का कई सारे मामलों में बीजेपी के एजेंट के रूप में काम करने का मामले आ चुके हैं। पहला मामला एक आया था, कॉलेज के अंदर आरएसएस की शाखाएं चलाई जाती हैं, जो कि जिसके विरोध में हम लोगों ने आपके ही सामने ही भाजपा का पट्टा पहनाने जा रहे थे प्रिंसिपल मैडम को। दूसरा मामला आया है हम लोगों के सामने कि कॉलेजों में एबीवीपी के संगठन के पोस्टर लगाए जाते हैं, उसके बाद भी कॉलेज पर प्रचार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती। प्राचार्य पर पूर्णतया भाजपा के पक्ष में कार्य करने का आरोप लगाया गया। उन्होंने कहा कि प्राचार्य छात्रों का डाटा इकट्ठा कर बीजेपी को भेज रही हैं। उन्होंने कहा कि कॉलेज में अगर एबीवीपी सदस्यता अभियान चलाना चाहे तो क्लास रोक कर कार्य करवाया जाता है, लेकिन अगर एनएसयूआई सदस्यता अभियान चलाना चाहे तो उन्हें परमिशन नहीं दी जाती। एनएसयूआई अगर सदस्यता अभियान चलाना चाहती है तो परमिशन नहीं है, एबीवीपी का चलाना चाहती है तो क्लास रोक कर चलवाई जाती है। हमारा मानना है कि टीआरएस कॉलेज की जो प्रचार मैडम है अर्पिता अवस्थी जी, वो भाजपा के एजेंट के रूप में कॉलेज में काम कर रही हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। टीआरएस कॉलेज एक विषय में जो ये संज्ञान में आया, जो ये विषय ये बहुत ही हाईलाइटेड हो रहा है, ये मैं बताना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी को, विधायकों को और मंत्रियों को और सांसदों को ये डाटा कलेक्ट कर उनके घर पहुँचाया जा रहा है, जो कि पूर्णतः गलत है। हम आज प्रेस वार्ता आयोजित कर ये बताना चाहते हैं कि छात्र छात्राओं को पढ़ाई पर ध्यान दिया जाए। कॉलेज के प्राचार्य जो हैं वो भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रही हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। लाइब्रेरी की फॉर्म जो भरवाया जा रहा है उसमें विधानसभा क्रमांक, विधानसभा का लेकर ये भाजपा को जो डाटा बेच रही है छात्रों का, इसके विरोध में आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्राचार्य मैडम को ये बताना चाह रहे हैं कि एनएसयूआई ना कभी डरा है, ना सत्ता से डरा है, ना ही मंत्रियों से डरा है। हम छात्र हित की बात करते हैं और ये बात छात्र हित में नहीं है। आप ये डाटा इकट्ठा करके स्थानीय विधायकों को देते हैं और उसके बाद वहाँ पे फोन जाता है छात्रों के पास कि आप इस विधानसभा से बोल रहे हैं, आप बीजेपी के लिए मोटिवेट किया जाता है। मतलब आपका स्पष्ट हो रहा है कि आप एक भाजपा के एजेंट के रूप में बैठी हुई हैं, आरएसएस की शाखा आप कॉलेज के अंदर चलवाती हैं, जो कि गलत है। आप एनएसयूआई के सदस्यता अभियान क्यों नहीं चलाने देती, क्या दिक्कत आ रही है आपको, एनएसयूआई से क्या दिक्कत है। आरोप लगाते हुए कहा गया कि इन्हें स्थानीय विधायक और मंत्री जी का संरक्षण प्राप्त है। प्राचार्य द्वारा भाजपा विधायक, मंत्रियों और सांसदों को डाटा कलेक्ट कर उनके घर पहुंचाया जा रहा है। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा। शिक्षा का मंदिर कहा जाता है कॉलेज को, उसको राजनीतिक का अखाड़ा न बनाया जाए। हमारा टीआरएस कॉलेज प्रचार मैडम से अनुरोध है कि ये फॉर्म को जल्द से जल्द रिजेक्ट किया जाए और क्यों लिया गया है इसका भी सामने लाया जाए मामला। अभी तक तो आधार कार्ड, आईडी कार्ड से भी पुस्तकालय का फॉर्म भरा जाता था, ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि इनको विधानसभा और विधानसभा का क्रमांक लेना पड़ा। केवल और केवल कॉलेज में भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसका अगर एनएसयूआई विरोध करती है तो एनएसयूआई को अंदर नहीं घुसने दिया जाता है। प्राचार्य मैडम को बताना चाहते हैं कि अगर बीजेपी की दलाली करनी है तो आप पट्टा ले लीजिए भाजपा का और पहन के बैठ जाइए, और जरूरत पड़ी तो हम आने वाले समय में, अगले एक हफ्ते में अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो एनएसयूआई निश्चित रूप से बड़ा आंदोलन करेगी और हो सका तो घेराव करेगी और कॉलेज में तालाबंदी करके भाजपा का झंडा लगा देगी। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।